हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप लोग 2024 में कुवैत में आना चाहते हो और यहाँ पे कुवैती हाउस में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग को कितना काम करना रहेगा। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि भाई एक ऐसी वीडियो बनाइए जो कुवैत हाउस में अगर हम लोग आते हैं 2024 में, क्योंकि 2023 में जो काम रहता था और 2024 में जो काम रहता है उसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डाउट में रहते हैं कि क्या बोलते हैं ना कि यार अगर हम 2024 में कुवैत में आते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कफील है हमको बहुत ज़्यादा काम लेगा। क्या सच्चाई है? तो अभी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पिछले 7 साल से यहाँ पे कुवैत में रहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो लोग हमारे भाई लोग इंडिया के हैं और भी जो कंट्री रहने वाले हैं किस तरीके से कुवैत हाउस में काम करते हैं और किस तरीके से वो लोग, यानी कि उनकी ड्यूटी वगैरह रहती है। और अभी 2024 चल रहा है और फाइनली मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि क्या क्या काम रहता है। तो बस मैं आप लोग को उनका जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर पा रहा हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुवैत हाउस में काम करना चाहते हैं, तो क्या वो लोग कुवैत हाउस में आएँ कि ना आएँ, चलिए बात करते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले सभी लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लाइक करना। चलिए बात करते हैं गाइस, अगर आप लोग 2024 में आना चाहते हो और कुवैत हाउस में आना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आइए यहाँ पे और मेरी तरफ से आप लोग का वेलकम है और यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाइए। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन जो आप लोग का डाउट रहता है कि अगर हम 2024 में आते हैं तो जो हमारा कफील है क्या हमको बहुत ज़्यादा काम लेने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यार काम वगैरह कुछ नहीं लेता है यहाँ पे। आप लोग को सीरियल वाइज, जैसे कि आपको जो ड्यूटी रहती है सुबह में आप लोग को गाड़ी वगैरह साफ करना पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं कुछ रहता यार। जो लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई आप लोग को 2024 में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आप लोग की हालत यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, आप लोग प्लीज़ मत आना यहाँ पे कुवैत में, भाई पूरा झूठ बात है। यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं जो आराम से काम करते हैं और महीने के एंडों में उनको 25 से 30 तारीख के बीच में उनको सैलरी भी मिल जाती है। और आप लोग को कोई भी डरने की ज़रूरत है ही नहीं। जो आप लोग को ये भड़का आ रहा है कि यार अगर आप लोग आते हो कुवैत हाउस में तो आप लोग को अभी 24 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत से यहाँ पे पैसा कमाना पड़ सकता है, हाँ भाई मेहनत से पैसा कमाना पड़ता है यहाँ पे, सबको यह मेहनत से पैसा कमाता है। तो भाई बिना मेहनत के भाई कोई पैसा नहीं कमा पाता ना। जैसे कि यार हम लोग काम करते हैं, क्या हम लोग ऐसे ही हमको पैसा मिल जाता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। सुबह जाओ 6:30-7 बजे, फिर उसके बाद रात को 7 बजे आओ, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाओ, फिर उसके बाद इसी तरीके से हमको यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल रूटीन है तो हम यहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं। तो भाई अगर आप लोग आते हो 2024 में कुवैत हाउस में काम करने के लिए तो भाई आप लोग तो इतना तो एडजस्ट कर सकते हो ना, इतना तो काम कर सकते हो ना। ऐसा नहीं कि बस आप लोग बैठे बैठे रहोगे फिर आपको सैलरी मिलेगी, आप लोग को बैठे बैठे कोई भी पैसा नहीं देने वाला गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग 2024 में आना चाहते हो तो आप लोग को सुबह में गाड़ी वगैरह साफ करना पड़ सकता है, अगर आप लोग ड्राइवर हो तो आप लोग को उनकी जो कफील वगैरह होते हैं, जो उनकी मैडम वगैरह होती हैं, तो उनको सामान वगैरह लाना पड़ सकता है, जैसे क्या नाश्ता का सामान हो गया यहाँ पे, और भी उनके जैसे कि लड़के वगैरह होते हैं उनको स्कूल छोड़ना हो गया, मदरसा वगैरह छोड़ना हो गया, इतना ही काम रहता है। तो मैं आज वीडियो को छह में ख़त्म करना चाहता हूँ, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर कोई हाथ आना चाहते थे। आप लोगों को कोई भी डरने की जरूरत नहीं, आप लोग आइए यहाँ पे आराम से और काम कीजिए, कुछ भी आप लोग को अफवाह यानी कि कोई भी आप लोग को डरने की जरूरत है ही नहीं। आप लोग यहाँ पर आराम से आकर महीने में जैसे कि 110 दिनार तो आपको पक्का मिल जाएगा स्टार्टिंग में। जितने भी लोग न्यू फ्रेशर हैं आप लोग को मंथली 110 दिनार तो मिल ही जाएगा मिनिमम, और उसमें आप लोग को कभी कभी 1-2 दिनार मिलता रहेगा, प्लस आप लोग को रूम मिलेगा और उसमें आप लोग को खाना भी इंक्लूड रहेगा, खाना भी शामिल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि यार जैसे कि क्या रहता है ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई इसके बारे में वीडियो बनाइए और उसके बारे में वीडियो बनाइए, एक बार कमेंट कर देना ताकि मुझे भी लगे कि हमारे जो भाई लोग हैं किस तरीका का वीडियो देखना पसंद करते हैं। और अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं यार जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन यार लाइक बहुत ही कम करते हैं यार, अब क्या बताएं। अब लाइक आपकी मर्जी है, आप लोग कर सकते हो यार, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। और चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय।